अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ए के टुडे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है क्वेटा की प्रॉपर्टी पे काफ़ी जो है खदशात और मायूसी के बादल छाए हुए हैं। क्वेटा की प्रॉपर्टी जो है स्टॉप हो चुकी है, तो इस हवाले से क्वेटा के उन इन्वेस्टर हज़रात के लिए एक अपॉर्चुनिटी हम लाए हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासकर चक्री रोड जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर पे हमारे साथ एक रहबर सोसाइटी के सीईओ चेयरमैन साहब बैठे हैं। चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे। सर से सबसे पहले तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म ए के टुडे पर खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी मेहरबानी जनाब। सर अपनी सोसाइटी के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि आप इस सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे बलूचिस्तान की शहरियों को दे सकेंगे और ये इस्लामाबाद के मेन इलाके से कितना दूर? ये इस्लामाबाद से तो खैर सदर रावलपिंडी से जो है ये 9 किलोमीटर पे है, एमएच से सीएमएच से हम 9 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे हैं। और इसी तरह मतलब जो शहर कचहरी है सदर है तो इस इलाके के हम नज़दीक तरीन हैं, सबसे नज़दीक सोसाइटी है हमारी। सर जब सोसाइटी की बात होती है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैस बिजली इनकी सहूलियात को लोग मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन सहूलियात का आपके पास क्या? जी हमारे पास एक तो रावलपिंडी अथॉरिटी यानी RDA से मंजूर शुदा सोसाइटी है और उसके बाद बिजली गैस दोनों चीज़ें हमने मंजूर करा ली हैं और मौके पर काम हो रहा है। और सर इसकी जो ज़मीन है उसके हवाले से इंतकाल वगैरह इस हवाले से उसका ये होता है जब आप रावलपिंडी अथॉरिटी यानी RDA से मंजूरी लेते हैं तो वो सारी चीज़ें RDA क्लियर करने के बाद ही आपको NOC या LOP देता है, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही जमा RDA मंजूरी देता है जी। और आप स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या आप उनको दावत देना चाहेंगे अपनी सोसाइटी में कि वो इन्वेस्ट करें? और यहाँ पर अमूमन क्वेटा के लोग जो है रावलपिंडी में ज़्यादा बिजनेस करते हैं, मुख्तलिफ होटल है उनके और जो है परचून और दिगर जो ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज़ में वो बिज़नेस करते हैं, वो किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को अवेक कर सकते? बिल्कुल जी, वो हमारे भाई हैं, अगर वो यहाँ आना चाहें या आते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए स्पेशली हम डिस्काउंट भी देंगे और मौके पे बाकियों से बेहतर फ़र्क भी उनको नज़र आएगा और बिल्कुल उनको कारोबार का और रहने का और जो बिज़नेस करना चाहें तो हम उनको ज़रूर मौका देंगे। सर सुनने में आया आपकी सोसाइटी में आप लोग जो है जैसे ही लोग इस प्लाट के मालिक होते हैं आज ख़रीदारी करते हैं कल आप उनको कंस्ट्रक्शन का इजाज़त देते हैं, यही बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास, क्योंकि RDA से मंजूर शुदा है और दूसरा ये है कि बिजली गैस मौके पे हमने काम शुरू किया हुआ है और बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो ये वो सदर से चलती आबादी के साथ हमारी जगह है जो शहर के नज़दीक तरीन बिल्कुल शहर के अंदर समझ लें और इसलिए कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मौके पर हमारी ज़मीन 4 दीवारी लगी हुई उसके अंदर हम काम कर रहे हैं और बिल्कुल अभी से घर शुरू कर सकते हैं और अभी घर मौके पर शुरू हैं। सर एक लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी के लिए जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी इदारे और अस्पताल की ज़रूरत होती है, तो इस हवाले से रहबर सोसाइटी जो है अपने क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और कब तक एक्सपेक्टेड है आप लोग कंपनी? अच्छा उसमें ये होता है कि एक तो हमारी अपनी कोई मनसूबाबंदी भी होती है लेकिन उसमें RDA मंजूरी इसी शर्त पर देता है कि आपका हॉस्पिटल की जगह, आप कब्रिस्तान की जगह, पार्क की जगह, ग्रीन एरिया और जितनी कमर्शियल एक्टिविटी होती है सोसाइटी के अंदर वो सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। महंगाई का इस दौर में सर आप लोगों के फ्लैट की कीमत कैसा है, लोगों के आम मिडिल क्लास तबके की पहुंच में है और आप लोग किस्तों पे भी जो है ये फ्लैट मुहैया करते हैं या सिर्फ नेट कैश? जी बिल्कुल, हमारा जो दूसरा फेज़ है जिसके लिए हमने पेपर RDA को जमा कराए हैं और इंशाल्लाह उसमें हम 5 साल के पैकेज पे दे रहे हैं। एयरपोर्ट अगर हम न्यू एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद बना हुआ है वो हम 25 मिनट के फासले पे हैं, इसी तरह हमारे यानी कि जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिससे तकरीबन दुनिया के हर मुल्क तक जो है फ्लाइट जैसे दुबई के बाद जो है पाकिस्तान का बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे भाई का कहना है कि 20 मिनट के मसाबत पे या ड्राइव पर है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। रहबर हाउसिंग सोसाइटी का मानना है कि हम अपने क्लाइंट को वक्त पर तमाम फैसिलिटीज जो हमें वादा किया हुआ वो हम प्रोवाइड करते हैं। सर कॉन्टेक्ट और कोई लिंक अगर आप बताएं? जी कॉन्टेक्ट फ़ोन नंबर जी मेरा नंबर है 03 00
03005263530। और लोकेशन भी जो है सर, लोकेशन हम अगर कोई बंदा हमें कॉल करता है तो हम व्हाट्सएप पे लोकेशन भी भेज देते हैं, लेकिन हम आसान तरीका ये है कि सीएमएच से या सदर से, हम 9 किलोमीटर पे हैं सदर से, तो सीएमएच से हमको 7 किलोमीटर पे हैं। और मैन चक्री रोड का जिक्र है क्योंकि हम से ही शुरू होता है, तो ये नज़दीक तरीन आर्मी एविएशन बेस है हमारा बकरा मंडी, ये सीएमएच। तो ये कल जदीद दौर है सर, आप व्हाट्सएप पे लोकेशन, लाइव लोकेशन भी आप लोगों के जो मैनेजिंग एक्सपर्ट है, जो आपके कंसल्टेंट है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट डीलर है, वो अपने क्लाइंट को लाइव लोकेशन भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, यकीनन जो कि ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। इसके साथ अपने मेज़बान इस्मतुल्लाह काकड़ को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद रिव्यू, मज़ीद सोसाइटीज़ के वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहे AK Today।